वरिष्ठ भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया विधानसभा में होंगे नेता प्रतिपक्ष। भाजपा विधायक दल की बैठक में कटारिया को सर्वसम्मति से चुना गया नेता प्रतिपक्ष। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई आयोजित। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, महासचिव राम माधव सहित समिति के 20 सदस्य रहे मौजूद। उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रतियोगिता दक्षता परियोजना का किया शुभारंभ। महाविद्यालयों में ई क्लासेस के माध्यम से दी जाएगी निःशुल्क कोचिंग। भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लोगों को सपना दिखाकर सत्ता हासिल करने का लगाया आरोप। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने कहा, कांग्रेस घोषणा पत्र में बहुत से वादों का पूरा होना है बाकी। दौसा में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है आयोजित। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा जुड़वा सकेंगे अपना नाम। 20 जनवरी को भी करवाया जा सकेगा संशोधन। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का किया गया आयोजन। आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी के मुद्दों पर की गई चर्चा। राज्यपाल कल्याण सिंह ने 15वीं राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 16 जनवरी की तारीख की तय। विधानसभा का पहला सत्र 15 जनवरी से हो रहा है शुरू। प्रदेश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। जयपुर में की जा रही है पतंगबाजी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में मनाया गया लोहड़ी का पर्व। पंजाबी समुदाय की ओर से पारंपरिक भंगड़ा नृत्य का किया गया आयोजन। फील्ड आउटरीच ब्यूरो की ओर से सवाई माधोपुर में स्वच्छता ही सेवा विषय पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम। युवाओं ने ली स्वच्छ समाज की शपथ। चूरू में आज से सेना भर्ती रैली का किया जा रहा है आयोजन। 7 दिन तक चलने वाली भर्ती में चूरू और झुंझुनू जिलों के करीब 45,000 युवा लेंगे भाग। बीकानेर में ऊंट महोत्सव का रंगारंग हुआ समापन। महोत्सव में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए कई प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। खेलो इंडिया गेम्स में पश्चिम बंगाल के 10 साल के निशानेबाज अभिनव शॉ ने जीता गोल्ड। अभिनव बिंद्रा की तर्ज पर गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव सबसे कम उम्र के बने निशानेबाज। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे के लिए शुभमन गिल और विजय शंकर भारतीय क्रिकेट टीम में हुए शामिल। और प्रदेश में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का असर हुआ तेज। कई स्थानों पर घना कोहरा छाने से रेल और सड़क यातायात हुआ प्रभावित।